को केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और हाल ही में जारी स्वच्छ शहरों की घोषित सूची में नवी मुंबई को देश में तीसरा स्थान मिला है और महाराष्ट्र का एकमेव शहर होने का सम्मान मिला। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। एक नवी मुंबईकर के रूप में अब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, पर अब भी हमें बहुत सी चीजों पर और नियमों पर और अपने किए गए कार्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी ये कहने की वजह हमारे कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं। आइए देखते हैं उन्हीं क्लिपिंग्स को। हर बार की तरह इस बार भी सबसे अधिक लोग सड़कों पर बगैर हेलमेट के ही दिखे। देखिए इन सभी लोगों को एक के बाद एक लाइन से, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। ये नज़ारा वाशी स्टेशन के पास की सड़क का है। सिर्फ वाशी स्टेशन के पास ही नहीं बल्कि वाशी के छत्रपति शिवाजी चौक के यहाँ भी ऐसा ही नज़ारा है। ये महिला स्कूटी पे सवार होके बगैर हेलमेट जा रही है। और ये क्लिपिंग है सानपाड़ा जुईनगर के रोड की, जहाँ पर ये युवा बगैर हेलमेट तो जा ही रहे हैं और साथ ही मोबाइल पर भी बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह एक हाथ से बाइक हैंडल कर रहे हैं और दूसरे हाथ से मोबाइल। और ये रहे ट्रिपल सीट जा रहे युवा। पॉलिटिशियन अपने पद का गैर फायदा उठाते हैं, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कार जिसका नंबर MH01AC4173 है, साथ ही नंबर प्लेट पर बीजेपी का कमल का चिन्ह बना है और भाजपा भी लिखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कार में ब्लैक ग्लास लगाने पर पाबंदी लगाई गई थी, पर अपने पद का गलत उपयोग कर ये टोयोटो इनोवा कार में ब्लैक ग्लास लगाई गई है। ये कार उस वक्त वाशी में सेक्टर 1 में खड़ी पाई गई। अब देखिए ये दूसरी कार जिसका नंबर है MH02CB9277। टाटा इंडिका की ये कार फुटपाथ पर पार्क्ड है। फुटपाथ राह चलते लोगों के लिए होता है, ना के पार्किंग के लिए। किस तरह से बड़े आराम से मालिक ने अपनी कार वाशी के शिवाजी चौक के सामने की फुटपाथ पर पार्क की है। सिर्फ कार ही नहीं बल्कि बाइक्स भी फुटपाथ पर पार्क की जाती है। आजकल ये नया ट्रेंड ही बन गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाशी स्टेशन के पास का फुटपाथ है और बाइक्स आ रहे हैं और फुटपाथ पर बाइक्स को पार्क कर बड़े आराम से जा रहे हैं। सवारी को बिठा के ले जाने की परमिशन ऑटो रिक्शा को होती है, पर यहाँ आप देख सकते हैं परमिशन से अधिक सवारी बैठा के ले जाते हुए महज इस रूल को तोड़ के ही नहीं बल्कि सिग्नल लगे होने के बावजूद भी सिग्नल को तोड़ के ये ऑटो वाला चला जा रहा है। सिर्फ ऑटो रिक्शा वाला ही नहीं बल्कि बाकी के लोग भी सिग्नल तोड़ के जाते हुए साफ नजर आते हैं। वाशी में यहाँ भी बगैर हेलमेट लोग जा रहे हैं। इस युवा को देखिए, हेलमेट तो पहना ही नहीं ऊपर से कानों में हेडफोन्स डाल के रखे हैं। ट्रैफिक पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई करती दिख रही है, पर फिर भी लोग नजर बचा के निकल जाते हैं। और ये ट्रैफिक पुलिस ने तो खुद ही नियम को तोड़ा है, अपनी बाइक पर बैठे और चल दिए, वो भी रॉन्ग वे से, उल्टी दिशा से जाकर, जो कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है। देखिए इन महाशय को जो पब्लिक प्लेस में खड़े होके सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं।
और जब हमने बस स्टॉप का जायजा लिया तो सिडको एग्जीबिशन हॉल के पास के बस स्टॉप पर एक व्यक्ति शराब में चूर होके बस स्टॉप पर सोता मिला। बस स्टॉप पर मौजूद सीट्स यात्रियों की सुविधा के लिए होती है, ना के शराब पी के सोने के लिए। पनवेल शहर पुलिस के अंतर्गत चिंसपाड़ा पुलिस चौकी के विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन लोगों की सेवा और शिकायत दर्ज करने के लिए और जुर्म को रोकने के लिए बनाया गया। पर इस पुलिस थाने में ना तो कोई पुलिस निरीक्षक रहता है और ना ही कोई पुलिस कर्मी। आप किसी भी समय यहाँ पे आए तो यहाँ पुलिस चौकी में आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ ना तो प्रॉपर वास्तु है, जैसे आप देख सकते हैं किसी भी तरह इन बेड्स पर बिस्तर पड़े हैं, ना पानी का इंतजाम और कुर्सियां हैं, पर इन पर बैठने के लिए पुलिस कर्मचारी ही नहीं। बीच रोड जो के एक्सीडेंट्स का प्राइम लोकेशन बनता जा रहा है, कई एक्सीडेंट्स इस रोड्स पर होते हैं, कई लोगों ने अपनी जिंदगी भी गवाई है। इसी रोड पर सिग्नल्स कई दिनों से बंद अवस्था में है, जहां पहले से ही एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पर सिग्नल खराब होने से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे सभी वाहन चालकों को परेशानी होती है, खास तौर पर हेवी व्हीकल्स को। हमने इस रोड पर से सफर करने वाले ऑटो ड्राइवर से बात की, इन्होंने अपनी परेशानी को नवी मुंबई आवाज के संग बांटा। जब से बना है तब से अभी चालू किधर किया? हाँ, चालू होना चाहिए। चालू होना तो चाहिए, लेकिन अभी वो कब चालू करेगा क्या मालूम। चालू किधर हुआ था? जब से लगा चालू नहीं है। बंद ही है, बंद ही है। प्रॉब्लम होता है आने जाने में? आने जाने में प्रॉब्लम होता है। कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता? अरे वही 2-4 मिनट रुकना है, पड़ता है। सामान वाले बंद है, सिग्नल चालू झालं पाहिजे। सर्वांसाठी सोयीस करत आहे ना, गाड्या घेऊन जातात लोक, पब्लिक पण येतात। आता अपघात होऊ शकतात? अपघात होऊ शकतो ना, कारण हा मेन हायवे म्हणजे पांबरी ज्या स्पीडने गाड्या जातात सर्व, सिग्नल पाहिजे गाड्या थांबणार आहेत, पण अचानक शाळेची मुलं त्याच्या बाजूला शाळा पण। प्रशासनाला काय सांगणार आहे? प्रशासनाला लवकरात लवकर सिग्नल लावून तरी ठेवलं की शाळा चालू करायचं, नाही तर हा रोड तरी बंद करा, आतमध्ये जायचा सरळ रोड चालू राहू द्या। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, जिसकी तैयारी हर जगह शुरू कर दी गई है। मार्केट बाजारों में भी इसकी धूम दिख रही है। तिरंगे झंडे और तिरंगे के रंगों के कपड़े, ड्रेस, टी शर्ट और दूसरी चीजें काफी दिख रही है, और इन सभी के जोरों पर बिक्री भी शुरू है। 69 साल पूरे हो जाएंगे हमारे देश को आजाद हुए, पर आज भी हमारा महान देश बाल मजदूरी की चपेट से आजाद नहीं हो पाया। हम ये बात हवा में नहीं कर रहे, आप खुद अपनी नजरों से देखिए इन मासूमों को, जो 15 अगस्त यानी कि आजादी के दिन के उपलक्ष्य में झंडे तिरंगे बेचते नजर आ रहे हैं। इन मासूम बच्चों को इस तरह काम करते देख हम सोचने पर मजबूर है, क्या वाकई हमारा देश 69 साल के बाद आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला। भारताला स्वतंत्र मिळवून देण्यासाठी अनेक थोर हुतात्म्याने आपल्या प्राणांची आहुती देत या भारतासाठी आपल्या प्राणांना बलिदान केलेलं आहे, त्यामुळेच कुठेतरी आज आपला हा स्वतंत्र दिवस म्हणजे सोनेरी क्षण आपण आज अनुभवत आहोत। पण या सगळ्यात कुठेतरी बालमजुरीच्या बंधनातून आजही आपण स्वतंत्र होऊ शकलो नाहीत, हीच एक खेदाची बाब म्हणावी लागेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मुसासह स्वप्नाली देसाई, नवी मुंबई आवाज़।